जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने और उसे तोड़ने की घटना पर एबीवीपी उग्र हो गई है। घटना के विरोध में एबीवीपी की धर्मशाला इकाई ने शुक्रवार को धर्मशाला कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ नारेबाजी की गई और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जेएनयू दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने और उसे तोड़ने की घटना पर एबीवीपी आग बबूला हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धर्मशाला इकाई ने शुक्रवार को धर्मशाला कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने इस दिशा में शीघ्र कठोर कदम नहीं उठाए तो एबीवीपी आंदोलन को उग्र करेगी। परिषद का कहना है कि बीते वर्ष भी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे और उस समय भी सरकार ने तत्काल कार्रवाई न कर काफी दिनों बाद नारेबाजी करने वाले छात्रों को बर्खास्त किया था। एबीवीपी के जिला संयोजक अभि राणा ने कहा कि जिन भी छात्रों ने ये सब किया है उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन को तेज करेगी। उन्होंने साफ किया कि अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला केंद्र धर्मशाला में ही प्रदर्शन किया है। सरकार का जो भी फैसला आता है उसका इंतजार किया जाएगा और उसके बाद उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। पिछले कल जेएनयू में जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के ऊपर कुछ अपशब्द लिखे गए, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। उसके जो जिन भी छात्रों का ये जिसमें जिनका हाथ है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द उन छात्रों को अगर आप नोटिफाई नहीं करते तो हमारा इससे भी उग्र आंदोलन होगा और उन ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा मोर्चा निकालेंगे। इसके अगर बात की जाए, ये धरना प्रदर्शन यहीं हो रहा है या जिला स्तरीय या प्रदेश स्तरीय धरना? अभी हमारे प्रदेश में सिर्फ जो हमारा कांगड़ा जिले का जिला केंद्र है धर्मशाला में, वहीं पे हमारा आज धरना हुआ है। हम आज सरकार का जो भी इसके ऊपर फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे। अगर वो इसके ऊपर कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं तो कल इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। कार्रवाई नहीं होती तो किस प्रकार का अगला आंदोलन रहेगा? इसके बाद जो आंदोलन रहेगा वो हमारे जो सरकार के ऊपर जो उनकी भी जिस तरह से नीति आती है उस तरह से हमारा आंदोलन, जो भी हमारे प्रदेश स्तर से जो हमारे अधिकारी है हमारे को किस तरह से गाइडलाइन देते हैं फिर हमारा आंदोलन उस तरह से लेकर तैयार करें। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।